न्यूज में आपके साथ आदर्श। अभी तक आपने संजय गांधी अस्पताल में ही मरीज देखते थे कि मरीज के साथ एवं मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टर आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते थे। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मऊगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में जहां मुरौठा निवासी शिवदत्त मिश्रा इलाज कराने के लिए अपने घर के लोगों को ले गए थे, जहां स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर न होने के कारण उनके द्वारा बीएमओ के पास फोन किया गया। इस उक्त अचानक आए डॉक्टर के द्वारा मरीज के साथ सहित मरीज के परिजन के साथ अभद्रता करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और लपटने को तैयार हो गए थे। जहां आवाज होने पर आसपास के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे, वहीं आपको बता दें कि इन दिनों हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, जहां मरीजों को सही इलाज नहीं किया जा रहा है, इधर से उधर मरीज भटकते रहते हैं। वहीं व्यवस्था में सुधार करने के लिए मांग की गई। अब सोचना होगा कि किस तरह से अगर डॉक्टर का आतंक रहेगा तो मरीज किस तरह से अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए। चालीस लोग आते हैं यही करते हैं साथ कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, सब पर बैठा के चलता है, यही हनुमाना है। वो नहीं है, समझ गए भैया, इतने बड़े हो गए आप, आपको वो नहीं आता। नहीं नहीं, हम तो पागल है। 9 बजे करेक्ट टाइम पे आ गए, कौन कॉल डॉक्टर, चलिए मैं देखते हैं, समझ आ रहा थोड़ा सा। बस डॉक्टर साहब ताला लगा अस्पताल में, क्या चाहते हैं ऐसे डॉक्टरों को लगाया जाए। जब देखिए एक वरिष्ठ आप समाज सेवी हैं, कहीं पर पदाधिकारी भी हैं, देखिए जब आपके साथ ऐसा हुआ तो सामान्य लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है। नहीं, मैंने मैंने किसी भी राजनीतिक दांव नहीं, राजनीतिक ढंग से उनके पास नहीं, एक मरीज और एक डॉक्टर की हैसियत से मैंने बात किया। मैंने किसी भी प्रकार का राजनीतिक कोई बात उनसे नहीं, और राजनीति करना भी नहीं चाहिए ऐसे मामलों में। मैंने अब जैसा आप कह रहे हैं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, समाज में काम करता हूं, इसी कोरोना में 24 घंटे रात दिन बैठकर यहां हमने कोरोना के मरीजों को की सहायता किया है। और जब मेरे साथ इसकी इस तरह से घटना हो रही है तो सोच लीजिए कि सामान्य आदमी आता होगा, हम यहाँ क्या दुर्दशा करते होंगे।